हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसान आंदोलन को 2 महीने होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच नकाबपोश बदमाश के आने से इस जो जो चल जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक तरह से ट्विस्ट आ गया है। राजधानी की सीमाओं पर किसान नए कानूनों के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को किसान यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नकाबपोश आदमी ने 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश का दावा किया था। अब इस नकाबपोश आदमी का चेहरा सामने आ गया है। उसने अपना नाम योगेश बताया और अब एक नए वीडियो में कहा कि वो किसानों द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं की और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली बस डीटीसी बस में आया था, डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे उन्होंने, मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, इस लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वेंट उतार के काफी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो तू जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया, उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई, उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे, वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो, बोले हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। वही आरोपी योगेश को लेकर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा। अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा। उधर किसान और दिल्ली पुलिस की बैठक में आज भी कुछ नहीं निकला। किसान अभी भी दिल्ली आउटर रिंग रोड पर रैली करने पर अड़े हैं। 26 जनवरी की रैली को लेकर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू कर दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। इस वक्त हमें सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर देख सकते हैं आप किसान बैठे हैं और इन किसान जो हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है झांकी निकालने का और 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। सर हम आपके मध्य में राहिम बता रहे हैं कि हम बठिंडा से आए हैं, हम साबका फौजी हरमेल सिंह हैं। हमें झांकी को 26 जनवरी को दिल्ली परेड में लेके जाएंगे। इसका मकसद है कि उनको मोदी को बताएंगे भाई हम शांतमयी बैठे हैं, हम अत्यवादी नहीं हैं, हम बकवादी नहीं हैं, हम ना हम 26 जनवरी को लेके जाएंगे। सूरज इधर से इधर हो सकता है, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। हम बिल्कुल 26 जनवरी को मोदी को बताएंगे भी हमारे जो कानून है काले कानून जो आपने बनाए हैं उनको रद्द किया जाए। तो ये आपने किस किस की फोटो बनाई है? हमने शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, दूसरी तरफ है बाबा नानक, बाबे नानक के खेतों में कभी भी बरकत नहीं जाती। ये हम झांकी दुनिया को पूरी को दिखाएंगे कि हम शांत में इधर अपना बैठे हैं, हम किसी को कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। जी बिल्कुल, लगातार बता दें कि हम बातचीत कर लेते हैं उस वीर से जिस भाई ने इस झांकी को बनाया है,
उनसे बातचीत कर लेते हैं, युवा हैं और उनके मन में क्या आया कि ये इस तरीके की जाति बनाई और किस किस की बनाई है। जी आपका परिचय। जी मेरा नाम गुरिंदर सिंह है जी, गांव मस्तगढ़ डिस्ट्रिक्ट कैथल। हाँ जी, इसका मकसद क्या है, किस किस का फोटो बनाया आपने? जी मकसद हमारा एक ही है जी, किसानी, और दूसरा है जी 26 जनवरी। 26 जनवरी के लिए हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हमारे बहुत शहीद हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया जो लेकर 26 जनवरी की जो परेड जो है उसमें शामिल किया जाएगा। ये झांकी बनाई गई है, 26 जनवरी में ये परेड में शामिल होगी। ये तिरंगा बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि तिरंगा जो ट्रैली पर लगाया गया है। सभी यहाँ पर किसान जो है इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। उधर आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को पूर्व सीएम हुड्डा ने फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया। साथ ही हुड्डा ने किसानों से अहिंसक आंदोलन की भी अपील की कि ये जितने फैसले लिए हरियाणा सरकार ने वो जनविरोधी लिए। किसान तो परेशान है ही, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और अब और जो एक घोषणा किया था इन्होंने कि 75% हरियाणा वासियों को प्राइवेट उसमें नौकरी मिलेगी, वो भी खोखला निकला क्योंकि जो 15 साल की थी डोमिसाइल की कंडीशन वो घटाकर 5 साल कर दी। मैं तो कुछ नहीं कहते, तो वो तो जांच का विषय है, इसको गहराई से जांच करना चाहिए। कोई ऐसा बकवास हो तो बड़ा नुकसान होने वाली बात है, बड़ा ध्यान से। बातचीत चल रही है क्योंकि ये जो जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांति प्रिय है और आपका अहिंसक हिंसा नहीं होने दी किसानों ने, अहिंसक अब भी उनके बार बार यही बयान आ रहे हैं। और मैं इस बात के, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा आंदोलन इतना लंबा देखा नहीं, कोई वो नहीं है। लगातार 59 दिनों से जारी शांतिपूर्ण आंदोलन में अचानक योगेश का ट्विस्ट आने से कई सवाल खड़े हो गए। साथ ही योगेश के पल पर बदलते बयान भी अलग ही सूरत बयां कर रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता के अधिकारों के संघर्ष में कौन षड्यंत्र रच रहा है, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।